सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कन्हैया प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल कन्हैया प्रसाद अपनी हर खुशियां समाज के गरीब तबकों के साथ ही बांटना चाहते हैं। कोरोना काल हो या जन्मदिन, ये हर समय गरीब तबकों के बीच उपस्थित पाए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब कन्हैया प्रसाद अपने जन्मदिन मनाने झुग्गी झोपड़ी में पहुंच गए। जिले के समाज सेवी कन्हैया प्रसाद अपने जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को असहायों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया, वहीं उनकी जरूरत से जुड़ी वस्तुएं दी। समाज सेवी कन्हैया प्रसाद ने बताया कि जन्मदिन पर रेस्टोरेंट में केक काटने की परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसके बदले हम जरूरतमंदों की सेवा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बता दें कि कन्हैया प्रसाद ने जन्मदिन के मौके पर सदर हॉस्पिटल में मरीजों एवं जरूरतमंद बच्चों को खाना वितरण किया। उसके बाद जमीरा के समीप कुष्ठ रोगियों के बीच फल एवं खाने का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने नेत्रहीन बच्चों के साथ भी जन्मदिन मनाया। क्या कहेंगे? हम हर साल मालिक देता है, गरीबों के बीच अपना जन्मदिन मनाते हैं। कोरोना हो या मेरा जन्मदिन हो, हर जन्मदिन पिछले साल भी जन्मदिन में अपना इसी तरह हजारों हजार की संख्या में पार्टी बनाकर और रात का खाना वितरण करते हैं। कन्हैया जी, आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। आपके जन्मदिवस पर पूरे शहर में घूम घूम कर किसी गरीब को नहीं छोड़ा। उनका उद्देश्य था, उनका कहना था कि एक भी गरीब आज भूखा नहीं सोना चाहिए। ये उद्देश्य आप अन्य लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आज कर रहे हैं, हमारे देखा देखे और लोग समाज सेवी जो भी बहुत सारे शहर में घूमते हैं वो लोग भी करें। हम बाहर रहें या अंदर रहें, जेल में भी थे तो आप लोग देखे होंगे कि ठंडा के दिन में चादर कंबल का वितरण कराए थे, और अगलगी हो गया या कोरोना हो गया, ऐसे ऐसे कार्यों में हम बच सकें चलते हैं। और समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अपना जन्मदिन हो या खुशी का जो भी कार्यक्रम हो, ये गरीब लोगों का बेसहारा को सहारा दीजिए, हमारा यही उद्देश्य है। लोग नहीं देते हैं, हाँ। शहर में आप लोग घूम घूम कर गली चौड़ा है जो भी मिलता है, जो भी आपको गरीब दिखता है उसको देते हैं। उद्देश्य साधारण है कि आज के दिन ना शहर का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। देखिए, अगर बात करें तो आरा शहर में एक स्थान रखते हैं कन्हैया सेठ, और सामाजिक व्यक्तित्व के काफी धनी व्यक्ति हैं। बिल्कुल, तो वो चाहते तो अपना एक जो अपना जन्मदिन है वो बड़े स्तर पर आयोजित करते, बड़े बड़े लोगों को बुलाते, लेकिन इनके बीच आने के पीछे मकसद है जो हर साल की तरह इस साल भी इनका एक ही कारण है कि मेरा जन्मदिन जब भी मनेगा तो गरीबों के बीच में मनेगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि जाड़ा लगी था तो कंबल वितरण किया, चादर वितरण किया। हम खुद भैया नहीं थे, भैया जेल में थे, उनके बावजूद भी हम लोग कंबल वितरण चादर वितरण करने के लिए निकले हुए थे। भैया का आदेश था कि देखो ठंडे के समय में कोई भी आदमी सुकुलना नहीं चाहिए, किसी को ठंड नहीं लगना चाहिए। और फिर से उसके बाद फिर भैया का जन्मदिन आया, उस टाइम में भी भैया जेल में थे, तो भैया बोले कि भैया देखो जो भी गरीब गुरबा लोग हैं उसको भोजन का दिक्कत है, उसको भोजन प्रबंध कराया जाए। भोजन प्रबंध कराने के बाद हम लोग सारा चीज, आज भैया के कल शिक्षक दिवस था, आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, कल का जो गुरु का जन्म है वो ज्ञान दिए, जो हमारे भैया हैं ये भी हमको ज्ञान ही दिए हैं। जब से भैया के साथ जुड़े हैं तब से मतलब बहुत सारा ज्ञान मिला है, समाज सेवा करने का मौका मिलता है भैया के साथ, और बस हम लोग शहर में जो